तो रेप पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि विधायक सेंगर जेल से बैठकर ही ये साजिशें रच रहा है। और कैसी ये साजिशें रच रहा है, क्या उसके पास मोबाइल फोन है, क्या वो बाहर के लोगों से संपर्क कर पाता है, क्या जेल का ही कोई व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है, अब इन सभी गतिविधियों की जांच होगी। क्योंकि पीड़ित परिवार ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि सेंगर के पास मोबाइल फोन है और वो उसी के जरिए बाहर अंदर बैठकर बाहर की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। नाव केस की नाव न जाने कब किनारे लगेगी, ये सवाल सभी को कचोटता भी है और संशय में डाल देता है। कब होगा न्याय, कब मिलेगा इंसाफ, गुहार लगाई भी, हुई कार्रवाई भी, लेकिन न आतंक का खात्मा हुआ, न खौफ का और न अत्याचार का। सुना है कार्रवाई के बाद मामला शांत हो जाता है, पीड़ित चैन की सांस लेता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। चैन की सांस क्या, उसका तो सांस लेना ही दूभर हो रहा है। अस्पताल के बेड पर करा रही वो पीड़िता आज इस देश से, इस देश का कानून से, इस देश के संविधान से एक ही गुहार लगा रही होगी। क्या साहब यही लोकतंत्र है जहां इंसाफ के लिए आवाज उठाना इतना भारी पड़ जाता है कि चैन से जीना क्या, सांस लेना भी मुश्किल है। मृत्यु हुए हैं, ये सब सीबीआई में गवाह थे और जो रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर हैं, आज तक भाजपा ने उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। इसी तरह तमामों तमाम भाजपा के विधायक गण हैं, नेता गण हैं, जो रेप और मर्डर में लिप्त हैं, लेकिन उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया जा रहा है। आप बताइए क्या मैसेज दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश की लड़कियों को। उस परिवार की कहानी, वो दुख की दास्तां है सुनानी, जहां जख्म भी दिए हैं खानदानी। कसूर सिर्फ इतना कि मांगा था इंसाफ, जीना चाहती थी वो भी अपनी जिंदगानी। मोड़ कई है इस दास्तान में, परिजनों का कहना है कि इस हादसे में विधायक का ही हाथ है। जेल में बैठकर रची गई है साजिश, अब जांच की बात कही जा रही है। रेप केस में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सीतापुर जेल के भीतर की गतिविधियों की जांच होगी। पीड़ित परिवार ने विधायक पर जेल के भीतर से अपने लोगों को फोन पर बात करने का आरोप लगाया है। इस बीच पीड़िता से मिलने राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य देवकी सिंघल पहुंच गई, उन्हें पुलिस ने रोक दिया। अप्रिशिएट करते हैं आईसीयू में, अगर अंदर नहीं जाने देंगे तो हम रूल्स ब्रेक करने के लिए यहाँ नहीं आए। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि उस बेटी के माँ बाप, भाई बहन, सब घर वाले जोर जोर से बिलक बिलक कर रो रहे हैं। और उनके रोने का कारण है, एक तो उनके पास पैसा नहीं है, दवाएं मंगाई जा रही हैं। आपको ताजुब होगा ये जान के पैरासिटामोल आईवी इन्फ्यूजन और कैथेटर यूरोबैग, उनके लिए एंटीबायोटिक तक मैंने अपनी आंखों से पर्चा देखा, 16,000 रुपये वो खर्च कर चुके हैं। सीटी स्कैन हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं उनकी भी उनसे पैसा लिया जा रहा है। तो देयर इज नथिंग फ्री एंड दे आर पेइंग फॉर ईच एंड एवरी फैसिलिटी दे आर गेटिंग फ्रॉम हियर एंड दे आर नॉट हैप्पी। घर वाले चाहते हैं उन्हें ऐसे सेंटर पे शिफ्ट किया जाए जहाँ कोई और उम्मीद लगे। शासन प्रशासन सब एक होकर काम कर रहा है। बड़े दुख की बात है, लड़की बहुत क्रिटिकल है और बेटी को बचाना हम सब का कर्तव्य है। उन्नाव रेप केस की पीड़िता के साथ हुए एक्सीडेंट का आरोप विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर है। पुलिस ने कुलदीप सिंह सेंगर पर हत्या और हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने कुलदीप सिंह सेंगर की जेल को बदलने का भी मन बनाया है, लेकिन इस पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर अंडर ट्रायल कैदी है, लिहाजा जेल बदलने का फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार को है। गौरतलब है कि बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर, उसके भाई मनोज सेंगर और 8 अन्य के खिलाफ सड़क दुर्घटना के एक मामले में पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है। इस दुर्घटना में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि इस हादसे में उनकी 2 महिला रिश्तेदारों की मौत हो गई। आरोपियों पर दुष्कर्म पीड़िता के चाचा महेश सिंह की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया, जो रायबरेली जेल में बंद है। हम लोग खड़े थे वहाँ पर, अभी हम लोग फिर भी अंदर बैठेंगे उनसे मिलने के लिए।
उनके परिवार की ये डिमांड है कि इनको तुरंत एम्स या कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, हालत क्रिटिकल है और दवाएं भी नहीं मिल पा रही, वो खरीद कर अपने पैसे से ला रहे हैं। नो, द विक्टिम इज क्रिटिकल। हाँ, आईसीयू में हम लोग बाहर खड़े रहे, तीनों लोग यहाँ आए, बाहर काफी देर खड़े रहे। हादसे में मृत महिलाओं में से एक उन्नाव दुष्कर्म मामले की गवाह थी। दुष्कर्म पीड़िता की मां ने दावा किया कि दुर्घटना उनकी बेटी और अन्य को खत्म करने की एक साजिश थी। दरअसल जिस कार में पीड़िता का परिवार यात्रा कर रहा था उसे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद ये मामला एक बड़े विवाद में बदल गया। ट्रक के मालिक, ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी हो गई, मामला दर्ज भी हो गया, लेकिन एक सवाल जो हम नहीं बल्कि ये देश पूछ रहा है कि साहब, हमारे हुक्मरान, आपका निजाम, आपका फरमान, बदमाशों पर कसो लगाम, लेकिन जरा ये तो बताओ कि जो आपके यहाँ बैठे हैं ऐसे जनप्रतिनिधि पर कब कसोगे लगाम? इनको कब सिखाओगे कानून का विधान, कैसे करना है काम, संविधान का कैसे करना है सम्मान? स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।